हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से कुल्फ़ी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी होती है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर 10 से 12 काजुओं को गर्म पानी में भिगोने रख देंगे 15 मिनट के लिए। काजुओं को अच्छी तरह से भिगाने के बाद हम काजुओं को ग्राइंड कर लेंगे हाफ कप मिल्क के साथ। पैन में मैं ले रही हूँ 1 ग्लास मिल्क। मिल्क में मैं ऐड कर रही हूँ 3 कार्डमम इलायची। 3 इलायचियों को हमने इस तरह से खोलकर डाल देना है अंदर। यहाँ पर काजुओं का मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अगर 1-2 पीसेस काजुओं के रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको ऐड कर लूँगी मिल्क में। काजू का पेस्ट ऐड करने से आपकी कुल्फ़ी में क्रीमी टेक्स्चर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। इससे आपकी कुल्फ़ी में थिकनेस आएगी। कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सैफ्रन मिल्क। यहाँ पर मैंने सैफ्रन के कुछ स्ट्रैंड्स को वार्म मिल्क में भिगो के रखा था। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का सैफ्रन है तो आपको इसमें कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लो क्वालिटी का सैफ्रन यूज़ कर रही हैं तो आप इसमें हल्का सा कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे शुगर। 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम शुगर की ऐड कर लेंगे। और फिर अब हम इसको रख लेंगे गैस स्टोव पर। इसको हमने तब तक पकाना है तब तक ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। बिल्कुल इसे हमने थिक करना है और हिलाते हिलाते पका लेना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो नीचे से दाग लग जाएगी, तो अच्छी तरह से हम इसे हिला लेंगे। मैं ले रही हूँ काजू और पिस्ता। इसको मैं नाइफ से बारीक कट कर लूँगी। यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से मिल्क पककर तैयार है। ये अच्छी तरह से थिक भी हो गया है। कुछ इस तरह से हमने पका लेना है उसे, बिल्कुल थिक पका लेना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड किए हुए बादाम और पिस्ता। अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। पर मैं कुछ इस तरह के 2 छोटे पॉट्स ले रही हूँ। इसमें हम ऐड कर लेंगे कुल्फ़ी के मिक्सचर को। आपके पास वैसे पॉट्स नहीं है तो आप इसको ट्रे में भी डाल सकते हैं। इस तरह की कोई ट्रे में आप इस मिक्सचर को इस तरह से आप डाल दीजिए। कुल्फ़ी को फ्रिज में रखने से पहले हम इस तरह से कुल्फ़ी को स्लिंग रैप कर लेंगे ताकि इस पर कोई क्रिस्टल्स ना बने। अच्छी तरह से हमने साइड्स को पैक कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से। पॉट्स को भी मैं इसी तरह से रैप कर लूँगी। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 5 आवर्स या फिर 8 आवर्स भी लग सकते हैं इसको अच्छी तरह से सेट होने के लिए। ये हमारी पूरी तरह से सेट हो चुकी है। अब मैं इन कुल्फियों को गार्निश करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे पिस्ताशियोज और बादाम के साथ। इस वाले को मैं नाइफ से कट कर लूँगी क्यूब्स में। इस तरह से आप कोई भी प्लेट में सर्व कर सकते हैं कुल्फी को। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।